एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी। सड़क हादसे से यहां अफरा तफरी मच गई है। खाई में एक कैंटर गिर गया है जिसमें कि ड्राइवर की मौत हो गई है। सोमेश्वर थाने के निकट रनमन के पास यह हादसा हुआ है जहां पर खाई में एक टैंकर गिर गया, ड्राइवर की मौत इसमें हो गई, दर्दनाक मौत हुई है ड्राइवर की। सोमेश्वर थाने के निकट रनमन के पास यह हादसा पेश आया है। उधर हरिद्वार में झूना अखाड़े के संतों ने मेला भवन पर प्रदर्शन किया है। दरअसल कुंभ के आधे अधूरे कामों को लेकर संत नाराज हैं। संतों का कहना है कि ना तो सरकार अब तक कुंभ की रूपरेखा तय कर पाई है, ना ही साधु संतों के लिए टेंट लगाए गए हैं। टेंटों के लिए जमीन मिलने से संत नाराज हैं। संतों का कहना है कि अगर काम वक्त पर पूरे नहीं हुए तो वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करें। रुड़की के गंग नहर में बुजुर्ग पर जानलेवा हमला, अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी, बुजुर्ग की हालत गंभीर बनी हुई है, हायर सेंटर रेफर करना पड़ा है। फरार बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस। रुड़की के गंग नहर में एक बुजुर्ग पर जानलेवा हमला किया गया है। कुछ बदमाशों ने जो कि बाइक पर सवार होकर आए एक बुजुर्ग को गोली मारी है और वहां से भाग गए। बुजुर्ग की हालत इस वक्त गंभीर बनी हुई है जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। खबर उधम सिंह नगर जिले की, जहां जेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही पर राज्य के डीजीपी ने कार्रवाई की। जिले के सितारगंज जेल में कैदियों को मोबाइल, ब्लूटूथ और नशीले पदार्थ मुहैया कराने की शिकायत डीजीपी से की गई थी। डीजीपी के आदेश पर सितारगंज थाने में चार बंदी रक्षकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। चारों के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। खटीमा में अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल पर एक मरीज के इलाज में लापरवाही का आरोप लगा है। दरअसल चंपावत विधानसभा के से जो विधायक हैं कैलाश गहतोड़ी, उनके पीआरओ शत्रुघ्न कोठारी ने खटीमा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में खटीमा कोतवाली में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। आरोप है कि विधायक के पीआरओ के पिता का इलाज कोरोना की मरीज उनकी मां के साथ किया गया। एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।